नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्केचअप ट्यूटोरियल के नेक्स्ट लेसन में। इस लेसन में आज हम बात करेंगे पेंसिल और लाइन कमांड के बारे में और व्यू पोर्ट कंट्रोल के बारे में, कैसे कौन से टूल्स आपके व्यू पोर्ट को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले है लाइन, ठीक है। आप लाइन को कंट्रोल करना चाहते हो, आप लाइन को यहाँ पे बनाना चाहते हो, तो लाइन के लिए आप यहाँ पे लाइन पे क्लिक करें। लाइन पे क्लिक करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक क्लिक करना है और आपको डायरेक्शन देनी है। आप किसी भी डायरेक्शन में लाइन को बना सकते हैं, बट आप देखेंगे जैसे ही ग्रीन एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी वो लाइन ग्रीन हो जाएगी, जैसे ही रेड एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो लाइन रेड हो जाएगी, जैसे ही ब्लू एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो लाइन ब्लू हो जाएगी। तो आप इसे ऐसे एक्सिस पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो आपने यहाँ पे ड्रॉ की, मान लो मेरे को एक लाइन चाहिए 15x15 का एक बॉक्स चाहिए, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 15 की मैंने यहाँ पे किया 20, एंटर। अब यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको, अंडू किया, मैं थोड़ा ज्यादा लेता हूँ, मैं यहाँ पे 200 लेता हूँ, एंटर, अंडू, इस एक्सिस पे लेता हूँ 200, एंटर, फिर आता हूँ। देखो जैसे ही रेड एक्सिस के पैरेलल आएगा वो एक्सिस आपकी रेड हो जाएगी। अब इस एंगल से आपको ये दिख रहा होगा कि वो थोड़ा सा इसके पैलर नहीं है, बट जैसे ही आप टॉप व्यू से देखेंगे तो वो आपको इसके पैलर दिखेगी। कैसे वो मैं बताता हूँ। तो मैंने किया 200, एंटर, फिर मैं ग्रीन एक्सिस के पैलर आता हूँ 200। जैसे आप 200 यहाँ पे डाल रहे हो, देखो यहाँ पे आपका प्रोवाइड होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आप डालोगे 200, एंटर, और आप इसे यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही ज्वाइन करोगे तो ये एक बॉक्स बन जाएगा। इस बॉक्स को अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आपके कुछ व्यूज होते हैं, यहाँ से आप टॉप व्यू पे जाके अपने व्यू को देख सकते हैं, ठीक है। ये वाला व्यू आप कहाँ से ओपन किया था आपने, फर्स्ट स्टूडियो मैंने आपको बताया था कि टूल बार में जाके आप यहाँ से व्यूज को ऑन कर सकते हैं। अगर आप ऑफ करेंगे व्यूज यहाँ से चला जाएगा, ऑन करेंगे व्यूज आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ की हेल्प से आप इस व्यूज को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। टॉप व्यू आपको देखना है, टॉप व्यू पे जा सकते हैं। फ्रंट देखना है, फ्रंट व्यू पे जा सकते हैं। राइट व्यू पे जा सकते हैं, बैक व्यू पे जा सकते हैं, लेफ्ट व्यू पे जा सकते हैं, आइसो व्यू पे जा सकते हैं। इस तरीके से आप अपने व्यूज पे यहाँ पे जा सकते हैं, क्लियर। अगर आप चाहते हैं, मान लो मैं यहाँ से एक लाइन और बनाता हूँ और ब्लू एक्सिस की तरफ मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई, यहाँ पे मैं ग्रीन रेड एक्सिस पे गया 200 पे और मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, तो अब देखो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेडी हुआ। और मान लो मैं यहां से इसको क्लोज कर देता हूं तो कुछ इस टाइप से आपका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेडी हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ से सामने से टॉप से देखना चाहता हूँ, टॉप से देख सकते हैं, लेफ्ट राइट से देख सकते हैं, बैक से देख सकते हैं, लेफ्ट से देख सकते हैं, तो ऐसे करके आप अपने व्यूज को यहां से देख सकते हैं। अगर आप अपने व्यू पोर्ट को रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट के लिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऑर्बिट का। आप ऑर्बिट पे क्लिक कर सकते हैं और आप अपने व्यू पोर्ट को ऑर्बिट कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप अपने व्यू पोर्ट को ऐसे घुमा के देख सकते हैं। अगर आप इस टूल को यहाँ से यूज नहीं करना चाहते हो तो आप स्क्रीन पे स्क्रॉल बटन प्रेस करेंगे तो आपका ऑर्बिट यहाँ पे बन जाएगा और आप ऑर्बिट टूल को यहाँ से यूज कर सकते हो। यहाँ से आपको वो दिखा रहा है कि अगर आप ऑर्बिट यूज कर रहे हो तो यहाँ पे दिखाएगा रोटेट कैमरा अबाउट मॉडल, मॉडल के अबाउट आप अपने कैमरे को रोटेट कर सकते हो। कहीं पे भी क्लिक करें, क्लिक एनीवेयर इन ड्राइंग एरिया, यहां से भी आप अपने इसको देख सकते हो कि शिफ्ट से क्या होगा, पेन टूल का काम करेगा, और कंट्रोल से आपका सस्पेंड ग्रेविटी, डो नॉट ट्राई टू की वर्टिकल एजेस अप टू द डाउन। आप यहां पे देखें, आप इस तरीके से ऑर्बिट कर सकते हैं। अगर आपको पेन करना है तो यहाँ पे है आपका पेन, आप पेन पे क्लिक करें, आप अपने व्यू को लेफ्ट राइट अप डाउन मूव कर सकते हैं। अगर आप यहां से नहीं करना चाहते तो इसके लिए शॉर्टकट है, आप शिफ्ट के साथ अपना स्क्रॉल बटन प्रेस करें और आप इसे अब पैन कर सकते हैं, क्लियर है। शिफ्ट के साथ अगर आप स्क्रॉल बटन प्रेस करेंगे तो आप पैन कर सकते हैं। उसके बाद है, अगर आप अपने यहां पे जूम करना चाहते हैं तो यहां पे जूम पे क्लिक करें तो आप इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इनके लिए शॉर्टकट भी है। अगर मैं ऑर्बिट का शॉर्टकट बताऊं तो ओ प्रेस करके आप ऑर्बिट पे जा सकते हैं, शॉर्टकट फॉर ऑर्बिट इज ओ, ठीक है। अगर आप पेन की बात करें, शॉर्टकट फॉर पेन याद नहीं है क्या है, कोई बात नहीं, मैं बाद में बता दूंगा। जूम के लिए आप प्रेस कर सकते हैं जेड, जेड से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगर आप किसी विंडो को जूम करना चाहते हैं तो आप यहां से यूज कर सकते हैं जूम विंडो, तो
तो आप विंडो को सिलेक्ट करें, जितने विंडो को सिलेक्ट करेंगे उतना पोर्शन आपका जूम हो जाएगा। आप जूम एक्सटेंड करना चाहते हैं तो जूम एक्सटेंड पे क्लिक करें, तो आपका कंप्लीट जितने भी आपके मॉडल्स होंगे वो एक विजिबल स्क्रीन पे आपकी आ जाएंगे। और अगर आप प्रीवियस जूम करना चाहते हैं तो आप क्लिक करें तो जो आपने प्रीवियस जूम किया था वो आपका सामने आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। आप प्रीवियस भी कर सकते हो आपने जूम को, क्लियर है? तो ये ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस को आप किसमें है, ये लास्ट टूल बार में, जिनको आप यहाँ से यूज कर सकते हो, क्लियर है? ऑर्बिट करना है, पैन करना है, जूम आपको जूम विंडो करना है, जूम एक्सटेंड करना है, या आपको प्रीवियस जूम करना है, और ये आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ से आप यूज कर सकते हैं किस मोड से आप देखना चाहते हो, टॉप लेफ्ट राइट फ्रंट से, क्लियर? अब ये हमने लाइन बनाई थी, अब आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से लाइन को क्रिएट कर सकते हैं। मान लो मैं टॉप पे जाके अब लाइन बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे टॉप पे जाता हूँ। टॉप पे जाने के बाद आप यहाँ पे एक लाइन ले, अब यहाँ से आप लाइन बना सकते हैं, देखो, और रेड के पैरलर, ग्रीन के पैरलर, यहाँ से आपको स्नैप करेगा रेड के पैरलर, फिर ग्रीन के पैरलर, इस तरीके से भी आप अपने बॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं। एक और चीज, अगर आपको सिलेक्ट करना है और डिलीट करना है ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल पे क्लिक करें और आप सभी इसको सिलेक्ट करें, आप ये भी सिलेक्ट कर ले, कोई इशू नहीं है, डिलीट कर दे, वो आपका डिलीट हो जाएगा। सिलेक्शन टूल के लिए आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो। मान लो आपके पास एक लाइन है और आप इसे डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या करें, सिलेक्शन टूल पे जाने के लिए अभी यहाँ पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, स्पेस बार प्रेस करें तो आप सिलेक्शन टूल पे चले जाएंगे। तो आप ऐसे सिलेक्ट करके या तो डिलीट बटन प्रेस करें या फिर राइट क्लिक करके आप इरेज कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से, क्लियर है? तो ऐसे करके आप लाइन बना सकते हैं। एक और चीज, मान लो आप लाइन बना रहे हो, ग्रीन एक्सिस के पैरेलल जा रही है, इसके पैरेलल जा रही है, अगर आप पर्टिकुलर जैसे ऑर्थो ऑन करते थे ऑटोकैड में ताकि वो स्ट्रेट ही जाती थी, तो उसके लिए अगर आप लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो वो ग्रीन एक्सिस के ही पैरेलल जाएगी, आप कहीं पे भी चले जाएं वो किसी और लाइन के पैरेलल किसी और एंगल पे जाएगी ही नहीं। अगर आप राइट एरो प्रेस करेंगे तो वो रेड एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और अगर आप अप एरो प्रेस करेंगे तो वो ब्लू एक्सिस के आपके पैरेलल मूव करेगी, इस तरीके से आपकी मूव करेगी, ठीक है? अगर आप किसी, देखो, जैसे ही आप राइट एरो प्रेस कर रहे हैं तो रेड कलर की लाइन आपकी ज्यादा ही हाईलाइट हो रही है, जैसे आप नीचे आ रहे हैं, और अगर आपने यहाँ पे राइट और लेफ्ट एरो प्रेस किया तो वो ग्रीन सिलेक्शन की तरफ ही जाएगी, आप करेंगे ब्लू सिलेक्शन की तरफ ही जाएगी, कुछ इस तरीके से भी आप अपनी लाइन को क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे ही आप अपनी लाइन को क्लोज करेंगे वैसे ही वो उसको क्लोज सरफेस बना देगा, कुछ इस तरीके से, क्लियर है? तो ऐसे करके आप अपनी लाइन को यूज कर सकते हैं, लाइन से कुछ भी बना सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे बना के बताऊं, मान लो आप इसको क्लिक करके डिलीट करते हैं तो कुछ इस तरीके से डिलीट होगा, अंडू किया, अगर आप सिंपल एक सरफेस को सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे तो सिंपल इसके बीच का सरफेस डिलीट होगा, आपकी लाइंस डिलीट नहीं होंगी, अंडू किया, अगर आप एक सिंगल क्लिक करते हैं तो एक सरफेस सिलेक्ट होगा, अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो सरफेस के साथ साथ आपकी लाइन सिलेक्ट होगी, या फिर सिलेक्ट करके आप राइट क्लिक करें, सिलेक्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे कर दे ऑल कनेक्टेड, तो जितनी भी लाइंस उसे कनेक्ट होंगी वो उससे सिलेक्ट हो जाएंगी, फिर आप इसको यहाँ से राइट क्लिक करके इरेज कर सकते हैं, क्लियर है? ऐसे करके आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे भी आप किसी भी लाइन को बनाएंगे, आप कुछ यहाँ पे लाइन बनाए, शिफ्ट प्रेस करके बनाएंगे, जिस भी डायरेक्शन में आप जा रहे होंगे उसको वो स्ट्रेट करेगा, और ऐसे करके आप अपनी लाइन को क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी टाइप की आपको ड्राइंग चाहिए आप उसी टाइप की ड्राइंग्स को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, स्नैप करेगा मिडल में जहां पे भी आपको बनाना है, कुछ इस तरीके से आप अपनी ड्राइंग को क्रिएट कर सकते हैं, क्लियर है? इसके पैरेलल आपको जाना है, कितनी इसकी हाइट है वहां पे वो स्नैप करेगा, तो इस तरीके से भी आप इस चीज को बना सकते हैं। किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट आप लाइन की हेल्प से यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आप बनाएंगे वो स्नैप भी करेगा कि कहाँ पे इसका एंड पॉइंट है, तो ऐसे करके आप अपने एक ड्राइंग को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप इनको मिलाएंगे तो वो ट्राई करेगा उस टाइप का वहां पे सरफेस बनाने की। अगर आपको इस टाइप का कोई ऑब्जेक्ट चाहिए तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया, यहाँ पे इसको इसने स्नैप किया, ये मैंने यहाँ पे मिलाया, तो कोई भी टाइप की आप ड्राइंग को यहाँ पे बना सकते हैं। मान लो मैं कुछ इस टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, तो ऐसे करके आप अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अंडू, इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया,
ये देखो कुछ इस टाइप का आपका ऑब्जेक्ट बन गया। क्लियर है? तो किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट को आप क्रिएट कर सकते हैं यहां पे इसकी हेल्प से। तो ये था लाइन कमांड। आगे मैं बताने वाला हूं आपका, हाँ एक तो होता है लाइन, इसके साथ ही मैं एक और चीज बता देता हूं जो है फ्री हैंड लाइन। इसकी हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। फ्री हैंड के लिए आप फ्री हैंड पे लाइन पे क्लिक करें, नॉर्मली आप ऐसे ड्रैग एंड होल्ड करके अपनी लाइन को क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी टाइप की, इस टाइप की अगर आपको शेप चाहिए तो उस टाइप की शेप बना सकते हैं। शेप को क्लोज करेंगे तो कुछ इस टाइप की शेप आपकी यहाँ पे बन के आ जाएगी। तो ऐसे भी आप इस चीज को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये है आपकी फ्री हैंड लाइन। क्लियर है? तो आगे वाले चैप्टर में बताने वाला हूं रेक्टेंगल और रोटेटेड रेक्टेंगल को आप किस तरीके से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और वीडियो में कमेंट करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।